उधर गुरमेहर कौर के बयान लैके कारगिल शहीद सुखविंदर सिंह की बेटी लवजीत कौर ने सवाल चुके ने की कुछ उन्होंने किया आओ वेखते हैं। शहीद कैप्टन मनदीप सिंह की बेटी गुरमेहर कौर ने कहा सी कि उसके पिता नु पाकिस्तान ने नहीं बल्कि युद्ध ने मारिया। गुरमेहर बेशक भारत पाकिस्तान नेड़े नेड़े वेखना चाहती है, पर यह भी जरूरी नहीं कि हरेक शहीद की बेटी उसके नाल सहमत होवे। इसे कड़ी के तहत अंबाला के कारगिल शहीद सुखविंदर सिंह की बेटी सामने आई है। उसने गुरमेहर कौर के बयान की निंदा करदिया कहा है कि देश की नागरिक होने के नाते अजिहे बयानों तो बचना चाहिए। गुरमेहर कौर, जो आपने कहा है वो सरासर गलत है कि आपके पापा को पाकिस्तान वालों ने नहीं बल्कि वॉर ने मारा है। मेरे भी पापा कारगिल में शहीद हुए हैं। मुझे पता है कि उनको पाकिस्तान वालों ने ही मारा है। मैं भी एक शहीद की बेटी हूँ। मुझे ये सुन के बहुत दुख पहुँचा है कि आप देश के नागरिक होके ऐसी बात बोल रहे। ये देश के शहीदों का अपमान है, ये सरासर गलत है। शहीद सुखविंदर सिंह की बेटी लवजीत कौर ने गुरमेहर कौर नु अपना बयान वापस लैण की भी नसीहत दी है। जी मीडिया अंबाला। उधर सियासी धिर भी गुरमेहर कौर की हिमायत के नेतर आईया ने। एबीवीपी उत्ते कांग्रेसी आगू डॉक्टर राजकुमार वेरका ते आईएनएलडी के आगू अभय चुटाला ने भी निशाना साधिया। रामजस कॉलेज की विद्यार्थिन गुरमेहर कौर वालों सोशल मीडिया से पाई गई पोस्ट की गूंज सियासी गलियारे च भी गूंज रही है ते निशाने ते है विद्यार्थी जथेबंदी एबीवीपी। कांग्रेस ते इनेलो वालों इस विद्यार्थी नूं सोशल मीडिया ते मिल रही धमकियां की निखेधी की गई है। ता सवाल डीएसजीएमसी मुखी मनजीत सिंह जीके ने भी चुके ने। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने बड़ा खुल के गल कही है कि आरएसएस देश दा सब तो बड़ा खतरा है और कॉलेजां दे अंदर जिस तरह की सियासत कर रहे हैं उस तो साफ जहर हुंदा है कि ये देश दे विच जहर फैला रहे हैं और जहर फैलाण दा काम है। इस तो दुख की गल की हो सकती है कि एक कारगिल दे शहीद की बेटी नू जिस तरह उत्पीड़न किया जा रहा है, जिस तरह धमकियां दित्तियां जा रही हैं, रेप किए जा रही हैं, बजाय कार्रवाई करने की बजाय अपने गुंडे भेज के उत्थे शरारतबाजी कराना, मैं समझना कि यह दुख की गल है। कांग्रेस बड़ा स्पष्ट अपना स्टैंड क्लीयर कर चुकी है कि इन्हां स्टूडेंट्स दे नाल जिथे भी कितने जाति होगी कांग्रेस पार्टी उत्थे स्टैंड करेगी। किस तरह से उस लड़की को अश्लील बातें लिख करके भेजी गई, किस तरह से उसको कहा गया कि तेरे साथ रेप किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की अगर भाषा है, उनके एबीवीपी संगठन की अगर ये भाषा है, तो ये देश के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, उन लोगों की हालत अगर ऐसी है तो फिर मान करके चलो इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का नहीं हो सकता। कि उन्हें विड्रॉ किया या नहीं किया उसकी चॉइस है, लेकिन अगर किसी की एक स्टेटमेंट के उत्ते एडा वड्डा बवाल खड़ा किया जाए, उसनू देश द्रोही बना दिता जावे। असी ये देश द्रोह देख चुके हैं 80 के दशक दे विच कि सानू किदा बनाया गया सी। मैं वह बच्ची दे नाल खड़ा, एक शहीद की बच्ची है, ये हिंदुस्तान की धी है, उसनू राइट है जो कहना चाहती है। विद्यक अदारियां च विद्यार्थी जथेबंदियां जरिए वधदे सियासी दखल का मुद्दा लंबे समय तो चर्चा च रहा है ते रामजस कॉलेज वापरी इस घटना ने एक बार फिर इस मसले नू चर्चा च लै आउंदा है। दिल्ली तो पंकज कपाही, जी मीडिया।